हेलो एवरीवन टूडेजी के प्रोग्राम के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है तो पहले शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से हमने आपसे पूछा था वल्लम कली का संबंध किस से है आपके ऑप्शंस थे ए लवण सहिष्णु धान से बी कर्नाटक में मछली की एक प्रजाति से सी पेन्नार नदी पर एक झरना से या फिर डी केरल में नाव दौड़ से तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी केरल में नाव दौड़ प्रसिद्ध चंपाकुलम मूलम नाव दौड़ यानी बोट रेस बीते दिनों अलापुझा जिले के चंपाकुलम गांव के पास पंपा नदी में आयोजित की गई थी इसने केरल के स्नेक बोट रेसिंग सीजन की आधिकारिक शुरुआत की ये मानसून के पहले चरण के बाद चंपाकुलम नाव दौड़ के साथ शुरू होती है और इसे लोकप्रिय रूप से वल्लम कली कहा जाता है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है परंपरागत रूप से ये रेस फसल के मौसम के दौरान आयोजित की जाती है ये अक्सर अगस्त सितंबर की अवधि के दौरान ओणम त्यौहार से जुड़ी होती है चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं डेफ एक्सपो 2022 कहां कहाँ आयोजित किया जाएगा ए गुजरात बी असम सी तमिलनाडु या फिर डी उत्तर प्रदेश तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए द्विवार्षिक डेफ एक्सपो का बारहवा संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाला है इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है इसमें स्थल जल तथा वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है डेफ एक्सपो का ग्यारहवा संस्करण वर्ष दो में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस देश में लैंगिया वायरस का पता चला है सोमालिया में युगांडा में नामीबिया में या फिर चीन में तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी चीन शोधकर्ताओं ने चीन में पहचाने गए एक वायरस के दर्जनों मामले दर्ज होने के बाद इस पर नजर रखना शुरू कर दिया है नोवल लैंगिया हेनिपा वायरस संक्षिप्त में लेवी पहली बार 2018 के अंत में चीन के शेडोंग और हिनान के पूर्वोत्तर प्रांतों में पाया गया था हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा चीन में इसकी औपचारिक रूप से पहचान की गई थी इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है इस वायरस के जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना है ये मोजियांग वायरस से संबंधित है जिसे दक्षिणी चीन में खोजा गया था चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में इचनाइट्स शब्द चर्चा में था ये किस से संबंधित है विकल्प है ए अंतरिक्ष बी रक्षा सी हिमनद अध्ययन या फिर डी जीवाश्म तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वैज्ञानिकों ने उत्तरी चीन के झांगजियाको के हेबेई प्रांत में 4,300 से अधिक डायनासोर के पैरों के निशान यानी फुटप्रिंट्स खोजे हैं संरक्षित फुटप्रिंट्स जिन्हें इचनाइट्स भी कहा जाता है ट्रेस जीवाश्म है जो लाखों वर्षो ऐसी मौजूद है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है ये मिट्टी की सामग्री में पाए जाते हैं जो पैर की छाप के लिए पर्याप्त नरम होती है समय के साथ सामग्री सूख कर कठोर हो गई और तलछट की परतों से ढक गई, जिससे छाप को जीवाश्म बनने में मदद मिली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की एक पहल है विदेश मंत्रालय आयुष मंत्रालय गृह मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय दीक्षा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट और सभी ग्रेड के लिए क्यू आर कोडेड एनर्जाइज टेक्स्ट बुक प्रदान करने का मंच है ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी डब्ल्यू थ्री सी वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस संक्षिप्त में डब्ल्यू सी ए जी टू पॉइंट ओ लेवल ए ए का अनुपालन करता है ये दृष्टिबाधित लोगों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करके वेबसाइट तक पहुँचने में सक्षम बनाता है दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए विशेष ई सामग्री डिजिटली एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी डी ए आई एस वाई पर और एन आई ओ एस वेबसाइट व यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित की गई है चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था उन्नीस सौ छियानवे में उन्नीस सौ सत्तानवे में उन्नीस सौ अट्ठानवे में या फिर उन्नीस सौ निन्यानवे में तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उन्नीस पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा अधिनियम वर्ष उन्नीस में अधिनियमित किया गया था इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है ये पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए लागू किया गया था अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद दो सौ में संदर्भित किया गया है यह अनुच्छेद कहता है कि पांचवी अनुसूची के प्रावधान असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे इस एक्ट के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है ये अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय समुदायों को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ए जी एम एटी एट एच ए आर एम क्या है ए एक नौसैनिक पोत बी एक फाइटर जेट सी एक मिसाइल या फिर डी नौसैनिक पनडुब्बी तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एक मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को कुछ विकिरण विरोधी मिसाइलों की आपूर्ति की है जिन्हें यूक्रेन की वायु सेना के कुछ विमानों से दागा जा सकता है इन मिसाइलों को एजी एम एटी एट एच ए आर एम नाम दिया गया है इसलिए विकल्प सी सही है हवा से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल में एच का पूरा नाम हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये लड़ाकू विमानों से दागा जाने वाला एक सामरिक हथियार है इसकी लंबाई 14 मीटर है लेकिन व्यास केवल 10 इंच है इसका वजन लगभग 360 किलोग्राम है और इसमें विखंड प्रकार का वॉरहेड है जो रडार लक्ष्यों के लिए अनुकूलित है इसकी सीमा सौ किलोमीटर ऐसी अधिक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर निम्नलिखित में से कौन वास्कुलेटिस का सबसे अच्छा वर्णन करता है ए एक विकार बी एक वायरस सी एक फंगल इन्फेक्शन या फिर डी एक बैक्टीरिया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वास्कुलिटिस रक्त वाहिकाओं की सूजन है सूजन किसी भी चोट या संक्रमण के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो सामान्य रूप से शरीर को हमलावर कीटाणुओं से लड़ने में मदद कर सकती है हालांकि वास्कुलिटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ रक्त वाहिकाओं को तेजित कर देती है जिससे वे फूल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। लगभग 20 विभिन्न विकार हैं जिन्हें वास्कुलिटिस के रूप में वर्गीकृत किया गया है इसलिए ऑप्शन ए सही है वाहिका शोध और धमनी शोध को वास्कुलिटिस के पर्याय के रूप में उपयोग किया जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लाइव फायर अभ्यास किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है अंतरिक्ष जंगल जनगणना या फिर सैन्य तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सैन्य दरअसल हाल ही में चीन ने ताइवान के पास अपना लाइव फायर अभ्यास शुरू किया इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें लाइव गोला बारूद का उपयोग प्रशिक्षण की स्थिति बनाने के लिए किया जाता है लाइव फायर प्रशिक्षण के दौरान सैनिकों को कृत्रिम युद्ध स्थितियों में रखा जाता है सैनिकों को अपने हथियारों और उपकरणों का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक अदालत जिसमें विशेष रूप से सबूत के बिना किसी अपराध के दोषी को दंड दिया जाता है को किस रूप में जाना जाता है ए जयकाल कोर्ट बी वुल्फ कोर्ट सी कंगारू कोर्ट या फिर डी गिलहरी कोर्ट तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मीडिया द्वारा चलाए जा रहे कंगारू कोर्ट लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसकी व्याख्या लोगों के एक समूह द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक अदालत जिसमें विशेष रूप से सबूत के बिना किसी अपराध के दोषी को दंड दिया जाता है के रूप में की है इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन बिलियन थ्योरी किसके द्वारा गढ़ी गई थी ए अनातोली के सिकुनोव बी स्टालिन सी गेट्स या फिर डी एलन मस्क तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के पांचवे महीने में प्रवेश करने पर रूसी राष्ट्रपति ने गोल्डन बिलियन के षड्यंत्र सिद्धांत का आह्वान किया है गोल्डन बिलियन या रूसी में जोलोटोई मिलियर्ड का सिद्धांत लगभग तीस वर्ष ऐसी मौजूद है यह धनी पश्चिमी अभिजात वर्ग पर शेष विश्व का शोषण करके धन अर्जित करने का आरोप लगाता है गोल्डन बिलियन को अनातोली के सिकोनोव नामक रूसी व्यक्ति ने द प्लॉट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट रशिया एंड द गोल्डन बिलियन नामक पुस्तक में गढ़ा था इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न माइक्रोनेशिया कहाँ स्थित है आपके ऑप्शन है ए अटलांटिक महासागर बी हिंद महासागर सी आर्कटिक महासागर या फिर डी प्रशांत महासागर तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जय हिंद